हमारी लाइफ में ऐसा कितनी बार होता है, हम अपनी पूरी जान शिद्दत से किसी काम को शुरू करते हैं, अपने पूरे जोश के साथ उसको थोड़ा करते करते आगे बढ़ते ही हैं, लेकिन बीच में पड़ने वाले कठिन परेशानियों से लड़ते झगड़ते हमारे मन में कितनी बार ही विचार आता है कि सब छोड़ छाड़ कर इससे बहुत दूर चले जाए, लेकिन अपनी मंजिल तक का रास्ता हम इतना तय कर लेते हैं कि अगर हम पीछे मुड़ेंगे तो उतने में अगर आगे ही बढ़ते रहे तो मंजिल तक ही पहुंच जाए। कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं के नसीब में प्राप्त होती है जो परेशानी से डर कर नहीं डटकर उनका सामना करते हैं। ऐसी ही एक स्टोरी है बाटा, जो फूड ब्रांड हम अपने बचपन से लेकर आज तक पहनते आए हैं उसकी भी रही। बाटा के फाउंडर रहे थॉमस बाटा का ताल्लुकात एक ऐसे परिवार से था जो शुरू से ही जूते बनाने और मैन्युफैक्चर करने के कारोबार में शामिल था, लेकिन थॉमस अपने परिवार के ऐसे बच्चे थे जो कुछ बड़ा करना चाहते थे, जो आज तक उनके परिवार में से किसी ने भी नहीं किया था। थॉमस जब भी अपने ड्रीम्स गोल्स के बारे में किसी से ही बात करते, थॉमस को प्रोत्साहन देना तो दूर, वह उन्हें सिर्फ क्रिटिसाइज ही करते थे। साल 1894 में थॉमस ने अपने सगे भाई के साथ मिलकर चेस्लोवाकिया ज़रीन में एक कंपनी की शुरुआत करी। कुछ एम्प्लॉयज के साथ मिलकर कंपनी अपने शुरुआती दिनों में तो सस्टेन कर पाने में कुछ सक्षम थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। यहाँ तक कि थॉमस के पास शूज मैन्युफैक्चर करने के लिए भी पैसे जुटा पाना बहुत मुश्किल से हो पा रहा था, जिसके कारण थॉमस ने यह डिसाइड करा कि वह शूज लेदर से नहीं कैनवस से बनाएंगे। थॉमस के इस डिसीजन के कारण थॉमस ने एक नई डिस्कवरी करी, कैनवस लेदर से सस्ता होता है, जिससे शू मैन्युफैक्चरिंग बहुत अफोर्डेबल हो गई। धीरे धीरे कैनवस शूज की पॉपुलैरिटी के कारण कंपनी काफी पॉपुलर हो गई। थॉमस के ऐसे डिसीजन के कारण फुटवेयर इंडस्ट्री में बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई। आज सभी कंपनियां मुख्य तौर पर सिर्फ कैनवस से ही शूज मैन्युफैक्चर करती हैं। साल 1914 में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाने के कारण बाटा को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला आर्मी के लिए शूज मैन्युफैक्चर करने का। ऑर्डर बहुत बड़ा था, जिसके कारण कंपनी को अपने ऑर्डर टाइम पर पूरा करने के लिए स्टाफ की संख्या 10 गुना करनी पड़ी। सब कुछ कंपनी के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा था। वर्ल्ड वॉर के कारण बाटा नई नई बुलंदियों को हर दिन छू रही थी। कंपनी हर दिन अपने नाम नए नए रिकॉर्ड्स भी बना रही थी और उन्हें तोड़ भी रही थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर के खत्म हो जाने के कारण पूरी दुनिया में एक ग्रेट इकोनॉमिकल रिसेशन आया, जिससे बहुत सी जाने मानी कंपनियां जो कभी आसमान पर थी बंद हो जाने की कगार पर आ खड़ी हुई। थॉमस ने इस कठिन समय का सामना यूं करा कि उन्होंने अपने सभी शूज की प्राइसिंग में 50% का ड्रॉप कर दिया। साथ ही कंपनी के कर्मचारियों ने ये भी डिसाइड करा कि वह अपनी सैलरी का सिर्फ 60% ही लेंगे। कंपनी के इन्हीं फैसलों ने बाटा को बैंक्रप्ट ना हो जाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। बाटा वर्ल्ड के सबसे बड़े फुटवेयर ब्रांड में से एक है। बाटा के 70 से भी ज्यादा देशों में 5000 से भी ज्यादा शोरूम मौजूद हैं। थॉमस तो आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके कठिन फैसलों और जज्बे के कारण आज बाटा इतने बड़े नामों में से है। थॉमस की स्टोरी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने पे सबसे पहले विश्वास करने की हैबिट हमें डालनी चाहिए। हम जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ जरूरी है अपने पे थोड़ा सा विश्वास करने की और अपने जज्बे को कायम करके काम को आगे बढ़ाने की। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।